बैठो। आई एम सॉरी सर, मुझे इस तरह आपके बेडरूम में नहीं आना चाहिए था। वो आपकी मेड है ना। कोई बात नहीं, और वैसे भी ये हमारा बेडरूम नहीं है, ये तो सुनीति का कमरा हुआ करता था। सुनीति का? हाँ, सुनीति इसी कमरे में रहती थी मेरी माँ और खुशी के साथ। तुम्हें पता है खुशी की तबीयत इतने दिनों से ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन एक ही रात यहाँ रहकर उसकी तबीयत संभलने लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। इनफैक्ट मैं खुशी को ही देखने आई थी। मुझे तो लगा कि तुम ऑफिस के किसी काम से आई हो। कुछ लोगी? नहीं सर, अब मुझे देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। कम ऑन अंजलि, तुम अपने बॉस के साथ बैठी हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इनफैक्ट काजल कह रही थी कि मुझे भी आज से ऑफिस जाना चाहिए। तुम यहीं बैठो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, फिर ऑफिस साथ में चलते हैं। नहीं नहीं सर, आप रुकिए, मैं बाद में आती हूँ। हाय तारुण। तुम कैसे हो मेरे भाई? और आप खुशी कैसी है? उसकी तबीयत पहले से ठीक है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लिपस्टिक की वजह से है ना, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया। आखिर मैं तुम्हारी बहन हूं ना। वैसे ये तुम्हारी कौन है? ये अंजलि है। अंजलि? तारा से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। अंजलि ये शीतल दी है। नमस्ते। आप समझे जी, तुम्हें सुनीति की काफी झलक है, तभी तो इतने जल्दी से तुम्हें सुनीति की जगह मिल गई दर्पण में। और अब तुम घर भी चली आई। ये खुशी से मिलने आई है। हा? अच्छा इत्तेफाक है ना, सुनीति भी इस घर में खुशी की वजह से आई थी और तुम्हारी पत्नी बन बैठी। वैसे काजल का? माँ के कमरे में। मैं उससे मिलाती हूँ। You do carry on. ये क्या कह रही थी सर? Ignore it. ये इनकी पुरानी आदत है। ये सुनीति से बहुत नफरत करती थी। और तुम में सुनीति के कई गुण हैं। तुम्हारी गलती नहीं है। ये है ही ऐसी। तब तो इन्हें गायत्री से भी बहुत नफरत होगी।